स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द करियर एंडेवर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलीमर्स के लेक्चर 14 में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो पॉलीमर्स है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज करते हैं जनरली। एक आपका है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और दूसरा होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इट इज डिनोटेड बाय mn बार। अब इसको डिफाइन करना होगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो टोटल वेट ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं mn बार इज इक्वल टू कैपिटल n1 m1 प्लस कैपिटल n2 m2 प्लस कैपिटल n3 m3 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। अब इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो mn बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं समेशन कैपिटल mi डिवाइडेड बाई समेशन n कैपिटल ni। और अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिखें तो ये जो समेशन ni और mi है, इसको हम लोग समेशन स्मॉल mi बाई समेशन ni लिख सकते हैं, जहाँ n1 कैपिटल जो है, n2 n3 ये जो आपके हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमर्स में इंडिकेट करता है, और ये जो m1 कैपिटल है और n2 और n3 जो है, ये आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स ये आपको n1 n2 n3 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली लिख सकते हैं। यहाँ इसको ni जो है, ये ith टाइप ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल की संख्या को बताता है, और mi मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर्स बताता है फॉर ith टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और mi बताता है टोटल वेट ऑफ द पॉलीमर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एवरेज वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग ये mw से इंडिकेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इसका डिफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंडिविजुअल स्पेसीज एंड मास ऑफ स्पेसीज। तो ये दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल से, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखें तो ऊपर के डेफिनेशन के अनुसार m W bar इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं समेशन कैपिटल mi डिवाइडेड बाई समेशन स्मॉल एम आई। सिंस स्मॉल एम आई इज इक्वल टू आपको होता है कैपिटल ni कैपिटल mi, अगर इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हम लोग को फॉर्मूला आता है mw bar इज इक्वल टू समेशन mi ni कैपिटल mi डिवाइडेड बाय समेशन कैपिटल ni कैपिटल mi। अब इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो स्क्वायर में चला जाएगा, और ये कैपिटल ni लिख देंगे, और नीचे जो लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ उसी रूप में लिख देते हैं। अगर हम लोग को डिफरेंट पॉलीमेरिक चेन्स के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम लोग इसको और एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकते हैं mw bar इज इक्वल टू कैपिटल n1 m1 स्क्वायर प्लस कैपिटल n2 m2 स्क्वायर प्लस कैपिटल n3 m3 स्क्वायर प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई कैपिटल n1 m1 प्लस कैपिटल n2 m2 प्लस कैपिटल n3 m3 एंड सो ऑन। तो ये आपका वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर था। अब आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेशन कि ये जो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं आपको मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर के निकालने के लिए दो क्वेश्चन। तो सबसे पहला हमने क्वेश्चन लिखा कैलकुलेट mn bar mw bar, मतलब नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए पॉलीमर विच कंटेंस 30% मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इतना 40% मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास 30,000 एंड रेस 30% ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास 60,000। तो आप न्यूमेरिकल जब भी बनाए तो जो दिया हुआ डाटा उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले n1 का वैल्यू दिया, m1 का वैल्यू दिया है, n2 का वैल्यू दिया, कैपिटल m2 का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन से, m3 यहाँ मैंने आपको मेंशन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर हम लोग को जब नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा
तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये पढ़े थे। इसी फॉर्मूला में जो जो वैल्यू आपको दिया हुआ है उस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। पुट करने के बाद इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, सभी को ऐड कर देंगे तो हम लोग को ये आएगा। अब इसमें हम लोग जीरो को जीरो से, जीरो को जीरो से काट दें तो हम लोग को 36000 इतना मॉलिक्यूलर वेट आएगा, जो कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट होगा। अब हम लोग देखते हैं वेट, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे स्मॉल एन वन प्लस कैपिटल एन वन प्लस एम वन का स्क्वायर प्लस एंड कैपिटल एन टू प्लस एम टू का स्क्वायर प्लस एंड कैपिटल एन थ्री प्लस एम थ्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन वन प्लस कैपिटल एन टू कैपिटल एन टू इंटू एम टू प्लस कैपिटल एन थ्री एम थ्री, सभी के वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो फाइनली हम लोग को कैलकुलेशन के बाद ये मॉलिक्यूलर वेट प्राप्त होता है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, करा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, एम वन और एम टू का वैल्यू दिया हुआ है और उन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो करा कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए कि कह रहा है कि दोनों मॉलिक्यूल की संख्या इक्वल है, तो हमने मान लिया है यहाँ एल वन बराबर एल टू बराबर 10, हम यहाँ 100,000 कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एम एन बार अगर निकालना है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो जो फॉर्मूला है उसको हम लोग फॉर्मूला में यहाँ पर इसको लिखे हैं, और एल वन एल टू का वैल्यू मालूम है, एम वन एम टू मालूम है, तो इस फॉर्मूला में इसको हम लोग रखेंगे। तो इस तरह से आप एन वन का वैल्यू मैंने लिखा 10 इंटू 10^5, एन वन का वैल्यू हो गया, एन वन हो गया 10 और एन वन हो गया 10^5, एन टू हो गया 10 और एम टू हो गया 10^4, एन वन हो गया 10 + 10 = 20। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली हम लोग को ये प्राप्त होगा। अगर इसको और आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये आप इसको आप काट सकते हैं, 20, 25, 100 आपको कट जाएगा, तो ये हम लोग को 55 होगा और 55 के ऊपर 3 0 हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग को कैपिटल एन वन इंटू एम वन का स्क्वायर प्लस कैपिटल एन टू प्लस एम टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस कैपिटल एन टू प्लस इंटू एम टू, इस फॉर्मूला में इसको हम लोग रखेंगे, सभी को वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम लोग को इस तरह से प्राप्त हो रहा ये आपका डाटा। इस डाटा में हमने क्या किया है कि आपको कॉमन 10^8 इधर भी है तो इधर भी 10^8 के, तो 1000 कॉमन इधर ले निकाले हैं। अब इसमें जो हम लोग है इसमें 10^5 है, इधर 10^4 इंटू 10 करें तो 10^5 होगा, इसमें से 10^5 को मैंने कॉमन लिया, 10+1 हो गया, और ऊपर में हमने जब 10^8 कॉमन लिया तो 1000+10 हो गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1010/11 इंटू 10^8 डिवाइडेड बाई 10^5, इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे 10^3 ऊपर बच जाएगा। अब इसको आप लिख सकते हैं 101 इंटू 10^4 डिवाइडेड बाई 11। अगर इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 9181 8, तो ये आपका वैल्यू है जिसको कि मैंने यहाँ पर लिखा। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन था, कुछ क्वेश्चन था जो कि नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया। ये 12th बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नीट IIT गेट नीट ये समय भी पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।